इस पौधे में 3 साल बाद सैंपल आता है, उसमें 10-15 फल आते हैं। उसके बाद यह पौधा जो है तो जब 10-12 वर्ष का हो जाता है तो यह लगभग 80-90 किलो तक फल देता है। तो हमारे यहाँ निचले हिमाचल में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता था। वैसे आम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आम की फसल बहुत ज़्यादा होती है और आम पे कोहरा जो है तो हर साल 3-4 साल बाद कोहरा पड़ता था और कोहरा आम के पौधों को नष्ट कर देता है। इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना सेब को इसके रूप में अपनाया जाए, क्योंकि सेब दिसंबर में सुप्त अवस्था में होता है और इस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुखद परिणाम आने लगे हैं और वहाँ फल देना शुरू कर दिया है मात्र 1 वर्ष के पौधों ने, और अब 15 राज्यों में यह फल सेब जो है तो मात्र 1 वर्ष के पौधा फल देना शुरू कर दिया है और हर जगह से बड़े अच्छे सुखद परिणाम आ रहे हैं। मेरी भूमि जो है तो बहुत पथरीली भूमि है या बंजर क्रीम भूमि है और इसमें 80% पत्थर, सिर्फ 20% मिट्टी है और छोटे छोटे खेत हैं, वो दीवारों पे हमने 3-3 खेतों का एक बनाया हुआ है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेब का बीज बीजते हैं जी। सेब का बीज बीजने के बाद वो 2 वर्ष में ग्राफ्टिंग के योग्य हो जाता है, मतलब नॉर्मल गोल्डन सेब का बीज लेते हैं उसको उगाते हैं और 2 साल में ग्राफ्टिंग करने योग्य हो जाता है। 2 साल के बाद हम इस पर ग्राफ्टिंग करते हैं, जो वैरायटी गर्म क्षेत्रों में फल दे रही है HRMN99 उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं और उस ग्राफ्टिंग के बाद 1 साल बाद हम यह पौधे किसानों को बांटते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इससे नीचे सेब का पौधा है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है इसको, और यह ग्राफ्टिंग जनवरी 2017 में ही की गई है और ये पौधा 6 महीने का, अभी 4-5 महीने का हुआ है और जो ग्राफ्टिंग का ज्वाइंट है यह पूरा हो गया है और यह ग्राफ्टिंग अब ज्वाइंट पूरा ले चुकी है और अब इसको खोल दिया जाएगा। और आप पौधा देख रहे हैं तो ये पूर्णतया जुड़ चुका है, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, सिर्फ निशान ही बाकी हैं। अमूमन हमारे यहाँ यह पौधा 3 वर्ष में फसल देता था, परंतु जिन बाहरी राज्यों में लगाया गया है वहाँ मात्र 1-1.5 वर्ष में फल दे रहा है और इस पौधे में 3 साल बाद सैंपल आता है, उसमें 10-15 फल आते हैं। उसके बाद यह पौधा जो है तो जब 10-12 वर्ष का हो जाता है तो यह लगभग 80-90 किलो तक फल देता है। और इसकी खासियत यह है कि बाकी ऊपर परंपरागत क्षेत्र का सेब सितंबर में आता है या जून महीने में मार्केट में आ जाता है, उसमें मार्केट में कोई फल नहीं होता है। हरमन शर्मा जी, आप एक बिल्कुल छोटे से गांव में रहते हैं जी, और आपने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। आपको ये बात कैसे पता लगी कि मुझे चाहिए कि मैं इस हरमन 99 को या जो मैंने ये किस्म पैदा की है इसको पेटेंट कराऊं, कॉपीराइट लूं, इस पे जो भी सिस्टम होता है, मतलब कानून, जी सर, ये काफी पता है। सर, जब मैंने इस सेब तैयार किया तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे नौणी डॉक्टर वाई एस परमार नौणी विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में नियुक्त किया जी। वहाँ पे सरकार की तरफ से 9 सेक्रेटरी मेंबर होते थे जी और एक डॉक्टर PL गौतम जी जो डिप्टी DG रिटायर्ड हुए हैं प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जी। वो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेरे साथ मनोनीत सदस्य थे जी। तो उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि इसके लिए ऐसे ऐसे हो सकता है और उन्होंने मुझे ही प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जोड़ा। वेरी गुड, अच्छा। और आजकल मैं वो वाइस चांसलर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में नियुक्त हैं जी। और आपको इससे खुशी हुई कि आपको सब सहयोग देते हैं जी? सर जी, कम पढ़े हैं जी, और डॉक्टर PL गौतम जी ने मुझे जरूरत से ज्यादा सहयोग दिया और अब भी वो सहयोग करते हैं। ये एक अच्छी बात जी। सर जी, अब तक भारत वर्ष के 38 राज्यों में इसका पौधरोपण करवाया जा चुका है और 29 राज्यों में से अभी तक सफलता जो लगी है तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में फला रहा है, UP में पीलीभीत में फला रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि मेनका गांधी जो है इस पौधे के HRMN99 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और उन्होंने इसके 6000 पौधे पीलीभीत अकेले अपने चुनाव क्षेत्र में लगवाए हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हैदराबाद का है जी, जहाँ पर 25000 पौधे CCMB के माध्यम से वहाँ रोपित करवाए जा चुके हैं। बाकी महाराष्ट्र में नासिक औरंगाबाद वहाँ फ्रूट दे रहा है, कर्नाटका में बंगलौर और बेलगाम फ्रूट दे रहा है जी, चिकमगलूर में फ्रूट दे रहा है और इसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सीहोर और ग्वालियर में फ्रूट दे रहा है जी, जबलपुर में फ्रूट दे रहा है जी, तो पंजाब में होशियारपुर के पास छुहाल और सलेरान बिलाज में फ्रूट दे रहा है जी, हरियाणा में झिलमिल रेस्तरा करनाल, हरियाणा सिरसा हिसार और गुड़ग्राम में 4 जगह हरियाणा में फल दे रहा है जी। मेरा नाम कमला देवी है और जब हमने शुरू किया काम तो
थोड़ा लगता था मुश्किल, फिर अच्छा तो आज और कल और अच्छा थे, अच्छे से अच्छा लगता रहा और आगे से।